इस वीडियो में हम ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना सीखेंगे। मैं उसकी कुछ डेफिनेशंस आपको जो है अपनी स्क्रीन पर पहले दिखा देता हूँ। आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, गूगल की वेबसाइट लगा के लिखना है लर्न इंग्लिश ब्रिटिश काउंसिल, इंटर प्रेस करना है। पहले लिंक पर आपने क्लिक करना है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं वोकैबुलरी का एक सेक्शन है, बिगनर टू प्री इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट टू अपर इंटरमीडिएट। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हम बिगनर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा चूज़ अ वोकैबुलरी लेसन। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको लेसन दिए गए हैं, एक्सेसरीज से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड, अपीयरेंस से रिलेटेड, बेडरूम, पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स टू, कलर्स, डेली रूटीन, ड्रिंक्स, एवरीडे, ऑब्जेक्ट्स, फार्म एनिमल्स, काफ़ी सारे यहाँ पर टॉपिक्स हैं। आपको जो बेहतर लगे, जो आसान लगे, जिसकी वोकेबलरी आप सीखना चाहें तो वो यहाँ से आप सीख सकते हैं। मुझे एक्शंस की वोकेबलरी सीखनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं एक्शन से रिलेटेड यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स आ गए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ एक्शंस, डू द एक्सरसाइज एंड लर्न द वर्ड्स फॉर सम कॉमन एक्शंस, मैच द वर्ड्स एंड पिक्चर्स। अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ पर एक स्पीकर बनाया हुआ है और यहाँ पर आपको ये वर्ड्स जो हैं ये पुट करने, ये प्लेस करने। ठीक है, तो आपको यहाँ करना कैसे है, ये सबसे पहले आपको इस स्पीकर पे क्लिक करना है, लिसन, और यहाँ से लिसन ढूंढना है, इस पर क्लिक करना है और नीचे इसको प्लेस कर देना है। फिर अगेन ये सुनना है आपने, लुक, यहाँ से लुक को पिक करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ये एक्सरसाइज जब आप परफॉर्म कर लें तो फिनिश पर क्लिक करें, फीडबैक का मैसेज आएगा, टोटल स्कोर इज़ 12 आउट ऑफ 12, 100%। उसके बाद यहाँ नीचे आपको 6 टास्क दी गई हैं, आप वन बाय वन उस टास्क को परफॉर्म करते जाएं, वो इन्हीं से रिलेटेड होगी, एक्शन से रिलेटेड होगी। टास्क वन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं पुट दी वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है A to Z, पहले ए वाले सारे आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले। तो मैं इनको जो है अरेंज कर देता हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर आपको समझाता हूँ। ये मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में जो है वो अरेंज कर लिए हैं। सबसे पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, और बाकी अल्फ़ाबेट्स हमारे पास नहीं है तो फिर स्टार्टिंग में हमारे पास जो है आर आएगा, एस आएगा और फिर डब्ल्यू आता है। इस तरीके से हमने इसे अरेंज करना है और फिर नेक्स्ट करना है। मैं इसे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर देता हूँ। जब हम इन सबको अरेंज कर लेंगे तो फिनिश पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो है फीडबैक का मैसेज आ गया, टोटल स्कोर इज़ 8 आउट ऑफ 12, 67। टोटल स्कोर इज़ 8 आउट ऑफ 12, 67%। यहाँ पर कुछ जो हमारी मिस्टेक्स हैं, ये तो हमारा बिल्कुल क्लियर था पिछला वाला, इसमें हम मिस्टेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शो आंसर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखेगा लिसन, लुक, स्लीप, स्माइल, टच और फिर टाइप आएगा। अब यहाँ पर इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया था, इसने L और L ये दो दे दिए थे। अब कंफ्यूजन ये कि इन दोनों में से पहले कौन आएगा। L के बाद जो दूसरा अल्फ़ाबेट है I, और यहाँ पर है L के बाद O, तो इसको भी हमें अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सिर्फ हम पहला अल्फ़ाबेट नहीं देखते, हम अगला अल्फ़ाबेट भी देखते हैं जब ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर आई है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD जब हम पढ़ते हैं तो ये पहले आता है, तो ये पहले आएगा, और एल के बाद यहाँ पर ओ आ रहा है, ओ चूँकि बाद में आता है तो ये जो है दूसरे नंबर पे आएगा। इसी तरीके से स्लीप और स्माइल, स्माइल पहले नहीं आएगा, स्लीप पहले आएगा।
क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर पहले एल आता है और उसके बाद एम आता है। ये दोनों तो सेम हैं जो पहले वाले हैं, लेकिन उनके आगे वाले भी हमें जो है वो देखना है। फिर उसके बाद टच है और टाइप है। टाइप पहले नहीं आएगा, पहले टच आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ओ आता है और उसके बाद वाई आता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। टास्क नंबर टू पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ वोकेबलरी A1, A2 एक्शन स्पेलिंग्स, लिसन एंड पुट द लेटर्स इन ऑर्डर। यहाँ पर आपने इस स्पीकर पे क्लिक करना है और इसको आपने सुनना है, उसके बाद लेटर्स को जो है पुट करना है, तो एक वर्ड बनेगा। Cry. अब इसने बोला क्राई, सी आर और वाई, नेक्स्ट कर देंगे। फीडबैक का मैसेज आ गया, टोटल स्कोर इज 12 आउट ऑफ 12, 100%। उसके बाद टास्क नंबर थ्री को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हमें सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट करने हैं और इस बॉक्स के अंदर ये जो वर्ड्स हैं वो हमें पुट करना है। ठीक है, वी डैश व्हेन वी वांट टू हियर समथिंग, जब हम कुछ सुनना चाहते हैं तो वी लिसन। वी डैश व्हेन वी यूज़ आर माउथ टू टॉक, हम इस्तेमाल करते हैं अपना मुंह और बोलते हैं, तो यानी यहाँ पर आएगा वी स्पीक व्हेन वी यूज़ आर माउथ टू टॉक। व्हेन वी डैश समथिंग वी फील इट विद आर हैंड्स, हम कोई चीज़ जब महसूस करते हैं तो क्या करते हैं, हम टच करते हैं। कैन वी यूज़ अ पेन टू डैश अ लेटर ऑन पेपर, हम यूज़ करते हैं या यूज़ कर सकते हैं पेन, ठीक है, लेटर लिखने के लिए पेपर पे, तो यहाँ राइट आएगा। वी डैश अ पिक्चर, हम पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। व्हेन वी आर टायर्ड वी शुड, हम जब थक जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर हम सोते हैं, स्लीप आएगा यहाँ पर। वी डैश व्हेन वी आर हैप्पी, हम मुस्कुराते हैं जब हम खुश होते हैं। वी डैश व्हेन वी फील वेरी सैड, हम रोते हैं जब हम महसूस करते हैं उदास। वी डैश ऑन अ कीबोर्ड और टच स्क्रीन, हम टाइप करते हैं कीबोर्ड के ऊपर या फिर टच स्क्रीन के ऊपर। वी डैश व्हेन वी हंगरी, जब हम भूखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खाते हैं। फिनिश पर क्लिक करेंगे, फीडबैक का मैसेज आ गया 10 आउट ऑफ 10, 100%। टास्क फोर को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। पुट दी एक्शंस इन टू दी करेक्ट ग्रुप, अब एक्शंस को आपको करेक्ट ग्रुप्स के अंदर डालना है। दो ग्रुप्स आपको दिए गए हैं, एक्शंस डन विद आर माउथ, वो एक्शंस वो काम जो हम अपने मुंह के जरिए करते हैं, एक्शंस डन विद आर हैंड्स, वो एक्शंस वो काम जो हम अपने हाथों के जरिए करते हैं। तो मैं इनको पुट कर देता हूँ। फिनिश पर क्लिक करते हैं, फीडबैक का मैसेज आ गया, टोटल स्कोर इज 7 आउट ऑफ 7, 100%। ये भी हमने सक्सेसफुली परफॉर्म कर ली। टास्क नंबर फाइव पर चलते हैं। राइट दी बेयर इन्फिनिटिव्स ऑफ दी वर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी पास सिंपल टाइप राइट, टाइप बेयर इन्फिनिटिव। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दी जा रही है तो हम लिख देते हैं LISTEN, लिसन, नेक्स्ट करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव सिंपल पास टच, आपको यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पर टाइप करनी है।
टच लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं TOUCH। फिनिश पर क्लिक कर देंगे, आप देखें 11 आउट ऑफ 11 हमारे सही हैं, 100% एक्यूरेट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट टास्क नंबर 6 को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद दूसरी कुछ एक्सरसाइज देखेंगे इंटरमीडिएट लेवल की, अपर लेवल की थोड़ी सी एक्सरसाइज, वोकेबलरीज को जो है समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एडवांस लेवल के जो लोग हैं आइल्स की राइटिंग वगैरह के लिए जिनको वोकेब्स चाहिए तो उनको भी जो है वो समझ आ जाए कि यहाँ पर दो लेवल्स दिए गए हैं, एक बिगनर टू इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट टू अपर इंटरमीडिएट के लिए। जो हाई लेवल की इंग्लिश सीख रहे हैं, जिनकी बिगनर्स वाली इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग है, तो वो जो है वो इंटरमीडिएट टू अपर इंटरमीडिएट की जो एक्सरसाइजेज हैं उनसे जो है वो अपनी वोकेबलरी को स्ट्रांग कर सकेंगे। तो वो हम अभी थोड़ी देर में परफॉर्म करेंगे ये टास्क 6 के बाद। लिसन टू द इन्फिनिटिव, देन पुट द लेटर्स इन ऑर्डर टू स्पेल द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर क्या होगा, आपको जो है इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो ये स्पीकर के थ्रू सुना देगा, और लेकिन आपको ये जो है पास्ट सिंपल की ये फॉर्म दी गई है, इसको आपने इधर पुट करना है, प्लेस करना है। Cry. क्राई, इसने फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रोनाउंस कर दी है, लेकिन हमने ये पास्ट सिंपल की जो वर्ब की फॉर्म है ये हमने यहाँ पर पुट करनी है, CRIED, फिर नेक्स्ट कर देना है, और इसी तरीके से सारी परफॉर्म करने के बाद फिनिश पर क्लिक करना है। ये हमने सारी टास्क जो हैं वो हमने परफॉर्म कर ली हैं। यहाँ पर इसकी जो है PDF फाइल अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम इंटरमीडिएट टू अपर इंटरमीडिएट पर क्लिक करते हैं। इंटरमीडिएट टू अपर इंटरमीडिएट के वोकेबलरी के लेसन्स आपके सामने आ जाएंगे। एयर ट्रेवल है, अपेयरेंस टू है, अराउंड टाउन है, बाथरूम्स है, बीचेस है, बाईसाइकिल्स एंड मोटर बाइक्स के हवाले से वोकेबलरीज हैं, बॉडी के पार्ट्स के ऊपर है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो है आपके पास जो है हाई वोकैब्स आ गई हैं। अब यहाँ पर आप जो है स्पीकर पर क्लिक करते रहें, इनको पहले जो है ना आप लिसन करते रहें और उसके बाद यहाँ पर पुट करते रहें। Forehead, elbow, toes, knee, eyebrows, tongue. Face, wrist, fingernails, ankle.
फिनिश पर क्लिक करते हैं, आप देखें फीडबैक का मैसेज आ गया 12 out of 12 100%। मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ और हम दूसरी जो है वोकेबलरी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसकी वोकेबलरीज जो है वो हमारे सामने आ जाएंगी इंटरमीडिएट से अपर लेवल की। तो यहाँ बहुत सारे लेसन दिए गए हैं, आप जो है वन बाय वन क्लिक करके उनकी जो है वोकेबलरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी हाई वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चेक इन, बोर्डिंग कार्ड, बैगेज, डिपार्चर्स बोर्ड, गेट, duty free, overhead locker, seat belt, meal, water, एंड में फिनिश पर क्लिक करेंगे और फीडबैक का मैसेज आएगा 12 out of 12 100%। मैंने आपको एक दो एक्सरसाइजेज़ परफॉर्म करके दिखा दी बिगनर्स की और एक दो एक्सरसाइजेज़ मैंने जो है परफॉर्म करके दिखा दी आपको इंटरमीडिएट से अपर लेवल की। तो यहाँ पर बेतहाशा जो है वोकेबलरीज़ को आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेसन्स दिए गए हैं, फुटबॉल से रिलेटेड हैं, फ्रूट टू है, गार्डन्स है, हेल्थ है। तो आप इस वेबसाइट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इस पर टाइम अपना स्पेंड करें और ये वोकेबलरीज जो है अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें।